हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक डिस्कस करेंगे। पहले वो स्टॉक डिस्कस करेंगे जो हमने कल बताए थे, और एक ऑप्शन जो हमने कल बताया था उसने क्या आज पैसा बनाया या नहीं बनाया। 8 से 9 स्टॉक्स जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो इंट्राडे में आपको 5 से 10 से 15% के रिटर्न्स देंगे, शॉर्ट टर्म में वो आपको 20 से 50% के रिटर्न भी देंगे, और एक नया धमाकेदार जैकपॉट ऑप्शंस ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और दोस्तों जब आप इस चैनल के यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आज मार्केट देखेंगे तो आप सेंसेक्स कल का फॉलोअप था, डाउन गई है मार्केट। निफ्टी मिड कैप ने पैसा बनाया है, निफ्टी मिड कैप 1% ऊपर था। इंडेक्स के लूजर देखेंगे आप, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL, इनमें से हमने कोई भी नहीं बताया था, ना ही हमारी पोजीशन में है। उसके उल्टा आप देखेंगे तो PSU बैंक्स जो मूवर्स थे निफ्टी को मूव करने के लिए, निफ्टी को जो सस्टेन कर रहे थे, PNB बैंक हमने कल बताया था, कैनरा बैंक ये भी हमने बताया था, SBI बैंक हमने आज अपने क्लाइंट्स को दिया है। रियल्टी स्टॉक्स में देखेंगे तो DLF है, DLF में हम 310 रुपये से इन्वेस्टेड हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हमारे क्लाइंट्स के पास थी। स्टॉक्स हम आज डिस्कस करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छे हैं, धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड रहेगा लास्ट में। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस फायदे का सौदा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता है, जो वीडियो के अलावा जो हमारे साथ हमारी ट्रेड को प्राप्त करना चाहता है, तो वो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8860188222। बिल्कुल फ्री डीमैट ओपन कर रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ एसोसिएट होके, और लोएस्ट ब्रोकरेज प्लान हम दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले स्टॉक पे जो कल हमने डिस्कस किया था, NTPC। NTPC अगर आपने सुबह लिया होता, हमने कल डिस्कस किया था स्टॉक को, सुबह लिया होता तो आज आपको 9% के गेन मिल जाते इसके अंदर। आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखिए, मैंने कल क्या क्या लेवल डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि ये 147 से 169 रुपये शॉर्ट टर्म में जाने वाला है, तो अब इसका हाई देखेंगे, आज 144 रुपये था, जो फर्स्ट टारगेट बिल्कुल पास था। नेक्स्ट स्टॉक्स हमने जो डिस्कस किया था, ग्रैनुल्स इंडिया। ग्रैनुल्स इंडिया में आप देखेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनने वाला है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये मॉर्निंग स्टार कन्फर्मेशन समझो आ गई है। यहाँ से ये स्टॉक अब ऊपर उठना शुरू होगा, तो आप यहाँ पे पोजीशन अगर नहीं बनाई है तो बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको 340 से 360 के टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे। हमारा एक स्टॉक था PSU बैंक का, आज आपने देखे होंगे PSU बैंक ने अच्छी रैली बनाई है। IDBI भी में हमने डिस्कस किया था लास्ट डे में, लास्ट डे में IDBI, अभी देखो ये कैंडल कितनी बढ़िया ब्रेकआउट है यहाँ पे, यहाँ पे 45, ये 43 का, 44 का ब्रेकआउट है। अभी देखना थोड़े टाइम में, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 50 क्रॉस करेगा, 55 के करीब जाएगा। एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था कल, PNB। PNB में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता आज, तो आपको 4% के रिटर्न बड़े आराम से मिल जाते। इसमें अभी भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, 39 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 44 से 45 48 रुपये तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये हमने लाइन लगाई है 55 रुपये के आसपास, तो मिड टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म में यहाँ तक के टारगेट आप रख सकते हो। कोल इंडिया, कोल इंडिया देखो फ्रेंड्स, हमने अपने क्लाइंट्स को 147 रुपये के आसपास बाय करने के लिए दिया हुआ था, आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 185 रुपये के लेवल पे। आप देख सकते हो इस स्टॉक का आज का हाई कितना था, 197 का हाई दिया बनाया हुआ उसने, जो कि करीबन 50 रुपीज़ यहाँ से, जहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से 50 रुपये ये दे चुका स्टॉक। अभी भी इसमें मोमेंटम है, और भी ऊपर जाएगा, शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर ये 213+ जाने का मादा रखता है। इस स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। कल का जो हमने एक ऑप्शन ट्रेड बताया था, बिल्कुल धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड था, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये 6 रुपये से आज 8 रुपये के तक गया था हाई, वापस 7 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इसने आज के दिन में अगर इसने कोई किसी ने ट्रेड किया होता तो इसके अंदर 15,000 रुपये आपको एक ही लोट के अंदर मिल जाता, एक ही दिन के अंदर। अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप देखेंगे कि ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे ये डेली में आगे ही बढ़ता जा रहा है, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल आ रही है, यहाँ पे ये 90 के पास जाएगा, 90 से क्रॉस करके फिर ये रास्ता खुला है 95 का। तो कोई दोस्त चाहता है वापस से इसके अंदर 7 रुपये के, 7 रुपये से 7.25 रुपये के अंदर वापस एंट्री ले सकता है। अक्टूबर मंथ की सी थी 90 की, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो दोस्तों अब वहाँ चलते हैं जो हमने स्टॉक आज के लिए छाटे हैं, जो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है गुजरात मिनरल्स।
गुजरात मिनरल्स शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे। शॉर्ट टर्म का ही ये चूज किया हमने कि शॉर्ट टर्म में क्या मिल सकता है। अभी स्टॉक ट्रेवल कर रहा है 73 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म में ये आपको 80 रुपये से लेके 93 रुपीज़ के टारगेट नियर टर्म में दे सकता है। आप इसके अंदर 65 का स्टॉप लॉस बना के रखें सिर्फ, ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना दोस्तों, वरना ट्रेड मत करना, स्टॉक मार्केट आपको बहुत बड़ा किक मार सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज NBCC। ये NBCC का डेली कैंडल है। डेली कैंडल में आप देखेंगे इसने काफ़ी अच्छी कैंडल दी थी आज। इसका आज का हाई आप चेक चेक करेंगे तो 51 रुपीज़ का हाई है इसका आज का, जो कि इसके ना ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस मान के चलो 52 रुपये का, ये क्रॉस होगा तो शॉर्ट टर्म में ये आपको 59 के करीब तक का टारगेट दे सकता है। अभी 48 है तो करीबन 10 रुपये से यहाँ से निकल सकता है। 10 रुपये मतलब 2 से 3% का टारगेट आपको जल्दी ही मिलने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हमने थोड़े दिन पहले भी अपने क्लाइंट को बताया हुआ था स्टॉक, कि आप इसमें ये देखिए लाइन ही आप देख सकते हो जो हमने सजेस्ट की थी अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। प्लस टारगेट 190 रुपये का है। अभी स्टॉक तक ट्रेवल कर ट्रेड कर रहा है 168 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस इसमें 152 रुपये का बना के रखिए। मैंने इसमें डेट भी डाल दी है 29/9/2021, ये हमने आज फ्रेश दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब ये स्टॉक मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो मैं ये डेट भी दिखा दूंगा कि 29 तारीख को दिया हुआ था पहले, हमें याद भी रहेगा ये। एक और स्टॉक है BGR एनर्जी। BGR एनर्जी का ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। डेली कैंडलस्टिक्स में ये जो कैंडल्स हैं ये एक दिन को डिनोट करती हैं दोस्तों। ये मैंने इसका सपोर्ट लाइन मार्क किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे 64 रुपीज़ के 65 का रेजिस्टेंस लिया है, वापस नीचे है, वापस ये अपने फिर से अपने 50 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ आप देखोगे ग्रीन टिक है, लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन के बिल्कुल ऊपर अच्छे तरीके से ऊपर क्रॉस कर रही है, और RSI करीबन 38 के आसपास है, तो ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आएगा। आप इसके अंदर 64 74 तक के टारगेट के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर आप देखेंगे ये एक यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ इसके नीचे ट्रेवल किया इसने 400 रुपये के नीचे। फिर उसके बाद ये अप्रैल 2021 में करीबन 2 साल बाद इसको इसने ब्रेक किया है 390 400 के रेजिस्टेंस को। उसको ब्रेक करने के बाद अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ये 500 रुपये के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। 521 का एक ये बेस लाइन मान के चलो, 519 का स्टॉप लॉस मान के चलो। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 628 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको 5 से 15% के रिटर्न आपको शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर मिल जाएंगे। 1 से 3 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे तो 5 से 15% के रिटर्न आपको आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज IOC। IOC के अंदर देखो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट 103 रुपये के आसपास थी। यहाँ पे हमने 103 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। करीबन अभी स्टॉक 127 रुपये के आसपास घूम रहा है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट ढूंढ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपके लिए ये टारगेट हो सकता है 150, और थोड़ा सा मिड टर्म के जाएंगे तो 171 रुपये के टारगेट। तो यहाँ पे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये दोनों टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस बना के रखिए। स्टॉप लॉस मेरा स्टॉप लॉस 103 रुपये है जो मेरी एंट्री पॉइंट थी। आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 117 का। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर। टाटा पावर मैंने अपने बर्थडे के दिन 19 सितंबर को दिया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इसने ये कप एंड हैंडल बनाया है, 121 रुपये के आसपास दिया था मैंने। उसके बाद ये स्टॉक ने आज का डे का हाई, इसका हाई था 158 रुपये। ये मंथली कैंडल है, एक कैंडल एक महीने को डिनोट करती है, तो ये बहुत ही स्ट्रोंग ब्रेकअप आया है यहाँ पे ये मंथली कैंडल में। इसका देखो मैंने टारगेट भी 236 रुपये के आसपास दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसका स्टॉप लॉस 130 रुपये रख सकते हो, और आपको नियर टर्म में 180 से लेके 220 230 तक के टारगेट मिल जाएंगे। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था आज के दिन का ऑप्शन ट्रेड। वैसे मैं बता दूं ये पिछले 2 दिन से मेरे क्लाइंट, पिछले 3 दिन पहले भी मैंने अपने अपने क्लाइंट्स को दिया था GMR इंफ्रा का 40 रुपये का सी, 210 220 रुपये के आसपास दिया था। इसने 3 रुपये 50 पैसे के आसपास बनाया है आज। इसका एक लॉट 22,500 का है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बड़े ही सोच समझ के ऑप्शन सी बाय कर सकते हो। वैसे हमने स्टॉक 32 रुपये के आसपास दिया था, वहां से देखो मैंने लिखा भी हुआ है शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 20 रुपये निकल जाएंगे, 20 से 50%। इस स्टॉक ने 23% के रिटर्न हमें ऑलरेडी दे दिए हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे स्टॉक थे जिनको आप ले सकते हो, और
आपको लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मनी मंत्रा को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपको जिन दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। जो यहाँ पे आ गए बिना सब्सक्राइब किए चले गए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी वजह से हमारा चैनल 500 के पार हो सकता है। दोस्तों धन्यवाद, आज हमारे चैनल ने 200 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। ये बड़ी ही मेहनत से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। करीबन 2 महीने लगे हैं हमको, तो अगले 3 महीने में मैं देखता हूँ, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 500 के पार लेके जाना सब्सक्राइबर काउंट को। तो दोस्तों बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में आपको आगे भी ऐसे ही आइडियाज़ मिलते रहेंगे जहाँ से आपका पैसा बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।